हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पॉइंटर्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह कर सकते हैं। तो हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर थे, हमने उसको यूज़ किया था। आज हम एक डिटेल एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे कि पॉइंटर के अंदर जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो बेसिकली वो किस तरह एड्रेस को चेंज करके नेक्स्ट एड्रेस आपको देता है। ठीक है, सो हम जस्ट एक एरे बनाते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप का मेरे पास एक एरे है जिसका नाम है ARR। ठीक है, मैं ये जो सिंपल एग्जांपल्स मैं यूज़ करता हूँ ये आपके समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी से, बहुत आसानी से समझ आ जाए। कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बट सिंपल एग्जांपल समझने के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और उनके अंदर मैं वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ। ठीक है, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये मेरे पास एक एरे बन गया। ठीक है, और मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हम जो एरे बनाते हैं वो बेसिकली अपने जो इसका जो नाम होता है ARR, जो कि ये जो ARR जो इसका नाम है, ये क्या है कि ये बेसिकली अपने नाम के अंदर एक एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये एक एड्रेस होल्ड करता है, और वो एड्रेस क्या होता है, वो बेसिकली मेमोरी पे एक एड्रेस होता है जो कि इन 5 वैल्यूज़ को या जो भी इसका साइज़ होगा वो उन वैल्यूज़ को अपने पास रखता है। ठीक है, सो अगर सपोज़ हमने ARR ऑफ जो एरे बनाया हुआ है ये बेसिकली अपने अंदर एक एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो उस एड्रेस को हम स्टोर करने के लिए उसको एड्रेस को हम किसी और वैल्यू के अंदर स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हम पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप का मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसका मेरे पास नाम होगा *PTR। सही है, अब अगर सपोज़ मैं इधर लिख दूँ PTR इक्वल्स टू ARR, सही है, तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो ARR है ये अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है, एक एड्रेस। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो इस पूरे एरे का नहीं बल्कि वो इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। ठीक है, सो अगर सपोज़ मैं इसके चूंकि मेरे पास PTR = ARR मैंने कर दिया, अगर सपोज़ मैं इसको वैल्यू इसके वैल्यू को प्रिंट करूँ cout के अंदर मैं करूँ *PTR। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 1। ठीक है, अगर मैं इसके वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, मेरे पास 1 प्रिंट हो रहा है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हमारे पास एरे डिक्लेयर होता है तो उसके अंदर हमारे पास उसके पहले इंडेक्स का एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि हमने जब उसके एरे को उसी एरे को एक पॉइंटर के अंदर स्टोर किया, तो हमने एक जब हमारे पास एरे का साइज़ 5 बन गया तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास मेमोरी पे 5 एलिमेंट्स की एक प्रॉपर लोकेशन कंज्यूम हो गई है इस एरे के नाम में। ठीक है, सो उस एरे वो जो 5 लोकेशंस है उसको अभी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ज़रिए एक्सेस करेंगे 1 by 1 इंक्रीमेंट करके। अगर सपोज़ मैंने इधर PTR = ARR किया तो उसके वैल्यू मेरे पास 1 प्रिंट हो गई। अगर सपोज़ मैं इधर लिख दूँ PTR++, सही है, इसके अंदर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, cout *, अगर मैं दोबारा इसकी वैल्यू को प्रिंट करूं PTR inline, सही है। तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, तो मेरे पास जब मैं पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरे पास पिछले एड्रेस से जो नेक्स्ट वाला एड्रेस होगा उस पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो मेरे पास प्रिंट होगी। तो मेरे पास जो पिछला एड्रेस था वो तो 1 का था, जब इंक्रीमेंट मैंने किया तो मेरे पास अभी 2 का एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो गया, और उसी पॉइंटर के अंदर हमने स्टार ऑपरेटर के ज़रिए उस 2 के एड्रेस पे 2 को एक्सेस किया, तो मेरे पास 2 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट में आ रहा है, 1 2। ठीक है, इसी तरह अगर आप पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो भी वैल्यूज होंगी वो आपके पास प्रिंट होती रहेंगी। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करके इसको एक प्रॉपर लूप के अंदर बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लूप इधर डिफाइन एक लूप मैं चलाऊँगा फॉर इंटीजर टाइप का, इसके अंदर एक वेरिएबल होगा i। ठीक है, ओके, उसका मैं स्टार्ट करूँगा 0 से, वो जो उसका एंड होगा 5। ठीक है, और उसके अंदर हर बार एक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, सही है,
अब इसकी बॉडी में मैं क्या करूँगा कि मैं वैल्यूज़ को वैल्यूज़ और उनके एड्रेस को प्रिंट करूँगा, बट उसके इंडेक्स के ज़रिए नहीं बल्कि मैं उसके पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करके उनको प्रिंट करूँगा। वो किस तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं जब इन वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करता तो मैं जनरली लिख देता सी आउट ARRF, इधर मैं आई लिख देता, बट हम उस तरह नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम इधर लिख देंगे सी आउट और इधर लिख देंगे एड्रेस, ऑफ वैल्यू और हम लूप जब चलेगा तो हर एक आइट्रेशन में इसका एड्रेस चेंज होता रहेगा। तो हम इधर लिख देंगे एड्रेस ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, और फिर हम वो एड्रेस ऑफ दिस वैल्यू उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करेंगे। तो वो हम किस तरह करेंगे, सी आउट पहले तो इसका एड्रेस प्रिंट करते और वो जो इसका एड्रेस है वो किधर स्टोर है, वो हमारे पास स्टोर है PTR में, ठीक है, पॉइंटर के अंदर स्टोर है, ठीक है। सो ये तो उसका एड्रेस हो गया। अब इसके एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो किधर है, सी आउट वैल्यू ऑन दिस एड्रेस इज, सही है, और उस वैल्यू को हम किस तरह प्रिंट करेंगे, स्टार PTR के जरिए, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गया एंड लाइन। अब एड्रेस तो PTR के अंदर स्टोर है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो स्टार ऑपरेटर के जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो उसका हो गया उसकी वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करूँगा, पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करूँगा, तो मैं जस्ट इधर लिख दूंगा पॉइंटर +++, बाकी जो सारा काम होगा वो लूप के अंदर होता रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, ओके, सो मेरे पास जो मेरा पॉइंटर था उसका नाम है PTR, सही है। सो अब अगर सपोज मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या होगा, आपको एक इतना लंबा सा प्रोसेस दिख रहा है, वो क्या है कि पहले मेरे पास जो पहला इंडेक्स था उसका एड्रेस है 0x28FEE4 और उस पर वैल्यू क्या पड़ी थी 1, फिर जो दूसरा एड्रेस है वो 02FEE8 और मैंने आपको वीडियो में पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसके सिर्फ लास्ट इंडेक्स में चेंज होगा, बाकी सारा का सारा हमारे पास जो एड्रेस होगा वो सेम होगा, लेकिन जो एड्रेस हमारे पास कंपाइलर या हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम एड्रेस असाइन करता है, एलोकेट करता है उस ख़ास वैल्यू को, वो कुछ भी एड्रेस हो सकता है। सपोज़ अगर हमारे पास एड्रेसेस है 1, 2, 3 तो इसी तरह 1, 2, 3 के एड्रेसेस पे हमारे पास वैल्यू स्टोर कर देगा, लेकिन अगर सपोज़ मेरे पास एड्रेस इस तरह है 1, 2, 4, 9 तो इन एड्रेसेस पे वो वैल्यू स्टोर करेगा। एड्रेस हमारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वो अगर सपोज़ अगर आप प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तो एड्रेस कुछ और भी हो सकता है। इधर आपको एड्रेसेस दिख रहे हैं, आप इनको नोट करेंगे और सपोज़ अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा तो इन एड्रेसेस में आपको चेंज भी दिख सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज आप इनको कंपेयर करेंगे तो हो सकता है वो पिछले जो एड्रेसेस है उनसे आप डिफरेंट पाए, ये डिपेंड करता है कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एड्रेसेस के साथ हमारा कोई काम नहीं, हम जस्ट देखना चाहते हैं कि हम प्रॉपर एड्रेस पे पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करके उस वैल्यू को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किस तरह करेंगे पॉइंटर के ज़रिए एक एरे के वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये अब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे पॉइंटर के जो एरे हमारे पास पड़ा हुआ है उसके वैल्यूज़ को हम एक्सेस किस तरह करेंगे, ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।